ज्वालामुखी आईफेल आग की लपटों से बना लैंडस्केप, जमीन के बहुत नीचे मौजूद तत्वों से बना इलाका, चट्टान के विशाल धधकते हुए टुकड़े, राख जिसने मिनटों में सब कुछ ढक दिया, और एक अद्भुत लैंडस्केप का निर्माण किया। लगभग 10,000 साल पहले ज्वालामुखी शांत हो गए, लेकिन अभी भी वो केवल सुप्त अवस्था में हैं। क्या आईफेल की सतह के नीचे कोई हलचल हो रही है? कितना बड़ा खतरा है ज्वालामुखी का वापस सक्रिय हो जाना? वोल्केनिक आईफेल के पूर्व में आंदरनाक के पास पृथ्वी के नीचे मौजूद ताकतें अपना एहसास कराती हैं। दुनिया में सबसे ऊंचा ठंडे पानी का स्रोत, हर 2 घंटे में पानी का फव्वारा फूटता है जो हवा में 60 मीटर ऊंचाई तक जाता है। खनिज विज्ञानी टॉर्स्टन लैम्बर्ट्स इस प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। प्रत्येक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह जल स्रोत का विस्फोट भी अद्वितीय है। ये विस्फोट शक्तिशाली ज्वालामुखी को आईफेल के नीचे गहरे में बिखेर देता है। क्योंकि मैग्मा से निकला कार्बन डाइऑक्साइड भूजल में मिल जाता है, इसलिए 350 मीटर नीचे अधिक से अधिक CO2 के बुलबुले एकत्र हो जाते हैं। जब ये अंत में फूटता है तो पूरी जल की धारा ऊपर की ओर निकल आती है। यहाँ आप वास्तव में पूरी ज्वालामुखी प्रक्रिया को देख और महसूस कर सकते हैं। ये आपको इसके पीछे के दबाव और शक्ति को समझने में मदद करता है। क्या यहाँ आईफेल में एक और ज्वालामुखी फूटेगा? लेकिन ऐसा कब होगा? आईफेल के ज्वालामुखियों को लंबे समय से मृत माना जाता था। अब हम जानते हैं कि वो केवल निष्क्रिय हैं। जमीन के बहुत नीचे कड़ाही अभी भी गर्म है। पिछले आग के गोलों के निशान आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पहली नजर में लाख झील बेहद शांत नजर आती है, लेकिन ये 13,000 साल पहले मध्य यूरोपीय भूगर्भ इतिहास में ज्वालामुखी के हाल के सबसे शक्तिशाली विस्फोट के बाद बनी थी। इसके निशान मेंडिश के निकट विंगर्ड्स बर्गवांड में पाए जा सकते हैं। बॉन विश्वविद्यालय के भूविज्ञानी गोइस्टा हॉफमन के लिए ये दीवार सुदूर अतीत की खिड़की है। 13,000 साल पहले ये लैंडस्केप मौलिक रूप से आज से अलग नहीं दिखता था। तभी अचानक ये धमाका हुआ और इसने लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तक वायुमंडल में राख और चट्टान बिखरा दिए। विस्फोट कई हफ्तों तक बड़े पैमाने पर चला। 1000 डिग्री सेल्सियस मैग्मा भूतल के एक जलाशय में मिल गया था। ऊपर पहाड़ की चोटी भाप के एक विस्फोट से उड़ गई थी। राख का एक विशाल गुबार हवा में कई किलोमीटर तक फैल गया था। एक समय बाद ये गुबार ढह गया और लाल गर्म राख ब्रूल घाटी जैसी घाटियों से होते हुए समूची वादी से होते हुए निकली। जब ये उस समय मौजूद रही राइन नदी तक पहुंची, तो इसने नदी को रोक दिया। राख और मलबा सब कुछ के ऊपर छा गया और कई मीटर गहरी चादर पीछे छोड़ गया।
इस ज्वालामुखी विस्फोट ने राइन को क्षतिग्रस्त कर दिया और आज के नॉयवीड के आसपास एक जलाशय बन गया। कुछ समय बाद वो बांध टूट गया और क्षेत्र में बसे आदि मानवों ने एक ही जीवन काल में दो आपदाओं का अनुभव किया। सबसे पहले एक ज्वालामुखी विस्फोट और फिर पानी का बेकाबू आवेग जो राइन घाटी के नीचे आज के नीदरलैंड तक गया। तो 13,000 साल पहले का ये ज्वालामुखी विस्फोट, जो कि आम विस्फोट से बहुत अधिक शक्तिशाली था, इस विस्फोट ने अपनी छाप छोड़ी और आप उन्हें यहाँ दीवारों पर देख सकते हैं। हमारे लिए ये इतिहास की किताब की तरह है। हम इसका अध्ययन कर सकते हैं और विशेष रूप से समझ सकते हैं कि ये ज्वालामुखी विस्फोट कैसे हुआ। प्रत्येक परत विस्फोट के एक एक चरण के हाई रेजोल्यूशन स्नैपशॉट की तरह है। हॉफमन नियमित रूप से यहाँ से वैज्ञानिकों के समूह का नेतृत्व करते हैं। दीवार की परतें ज्वालामुखी विस्फोट के चरणों को दर्शाती हैं। मजे की बात यह है कि ऐसी परत आमतौर पर हजारों लाखों साल में बनती है और ये 30 मीटर ऊंचा क्रॉस सेक्शन है जो अधिकतम कुछ हफ्तों का प्रतिनिधित्व करता है। ये केवल कुछ ही मिनटों का है। ये एक परत अंगारों के बने गुबार का है। और अगर मैं इस पत्थर को बाहर निकालूं, तो ये है। एक विहनाइट मैग्मा से निकला हुआ एक दुर्लभ नीला खनिज। आईफेल दुनिया में इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। अगर आप इसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो ये वास्तव में सुंदर है। विंगर्ड्स बर्गवांड यूनेस्को में दर्ज ज्वालामुखी आईफेल जियो पार्क का हिस्सा है। हॉफमन और उनकी टीम ज्वालामुखी के लैंडस्केप के वर्चुअल सफर के लिए एक ऐप विकसित कर रही हैं। सब कुछ बहुत सूक्ष्मता से स्कैन किया और मापा जाता है। ज्वालामुखी आईफेल जियो पार्क का उपयोग हम एक संदर्भ मॉडल के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि ये जर्मनी का पहला जियो पार्क है जो पूरी तरह से डिजिटल टूरिंग पैकेज प्रदान करता है। इस पार्क में अपनी दिलचस्पी की सभी चीजें इस ऐप में देख सकते हैं। ये ऐप अत्यधिक सूक्ष्म सैटेलाइट डेटा से काम करता है, बुनियादी नेविगेशन या हाइकिंग ऐप की तुलना में बहुत अधिक सटीक। हम 3D में वहाँ की दीवार का नक्शा तैयार करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आपको बहुत सारे फोटो और सही इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। यदि ड्रोन काफी करीब पहुँच पाता है तो एक अच्छी 3D तस्वीर मिल सकती है। ड्रोन दीवार के उन हिस्सों तक भी पहुंच सकता है जिन तक वैसे पहुंचना मुश्किल है। कैमरा हाई रिजोल्यूशन पर स्कैन करता है, इसलिए कंप्यूटर से उसकी विस्तृत तस्वीर निकाली जा सकती है। दीवार की विभिन्न परतें विशेष रूप से दिलचस्प हैं। ज्वालामुखी वाले विस्फोट से बने चट्टान के टुकड़ों से घिरे वो मुख्य रूप से पमिस और टफ से मिलकर बने होते हैं। विंगर्ड्स बर्गवांड इस ज्वालामुखी विस्फोट के सभी सेडिमेंट्स को दिखाता है और ये भूगर्भीय रूप से सिद्ध हो चुका है कि विस्फोट के विभिन्न चरण थे। आपको इसकी कल्पना एक विस्फोटक बारूद के गोले की तरह नहीं बल्कि कई परमाणु बमों की तरह करनी होगी। ये इतना शक्तिशाली था। हम यहाँ आईफेल में लाख झील या अन्य ज्वालामुखी संरचनाओं में एक ताजा विस्फोट से इनकार नहीं कर सकते। हम केवल ये आशा कर सकते हैं कि इसके पहले पर्याप्त चेतावनी होगी, जैसे भूकंप के कई झटके आएंगे। हम कोई भयावह तस्वीर नहीं दिखाना चाहते, लेकिन 13,000 साल पहले जो हुआ वो अगर आज फिर से होता है तो राइनलैंड जैसी घनी आबादी वाले इलाके में भयानक तबाही होगी। Rheinland, ziemlich katastrophal.
बॉन जैसे बड़े शहर, इंडस्ट्रियल प्लांट्स और रिफाइनरी, रासायनिक कारखानों का बेल्ट राइनलैंड, 1 लाख से अधिक आबादी वाला कोलोन, इस तरह की प्राकृतिक आपदा से अपनी रक्षा कैसे कर सकता है? आर घाटी स्थित फेडरल एकेडमी फॉर सिविल प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर असिस्टेंस BABK ऐसी आपदाओं के लिए एक परिदृश्य तैयार करता है। प्रोफेसर क्लाउस राइशर्टर लाख झील में ज्वालामुखी के एक नए विस्फोट के संभावित परिणामों पर शोध कर रहे हैं। बहुत ही तेज विस्फोट के गुबार बनेंगे, हवाई अड्डों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा, लैंडिंग किसी कीमत पर संभव नहीं होगी। फिर आपको ये देखना होगा कि हवा की दिशा के आधार पर विस्फोट का गुबार कितनी दूर और कितनी तेजी से फैलता है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या सड़कें अभी भी इस्तेमाल करने योग्य हैं, क्या ट्रेन और पावर ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे अभी भी काम कर रहे हैं। फ्रीवे पर कुछ वाहन शायद लोगों को निकालने में सक्षम हों, लेकिन तब चीजें मुश्किल हो जाएंगी, बचने का और कोई रास्ता नहीं होगा। समस्या ये है कि आर घाटी या यहाँ आइफल जैसी खास वादियों में लोग घाटियों में बस गए हैं, तो केवल 2 ही रास्ते हैं, आगे और पीछे, कोई अन्य विकल्प नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ संभवतः लोग हताहत भी होंगे। अस्पतालों को ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होने वाली खास तरह की चोटों के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे आग से जलना। इसलिए उनके पास खास तौर पर बर्न यूनिट होने चाहिए और उनके पास भूकंप के बाद होने वाली इमरजेंसी सर्जरियों जैसे एम्प्यूटेशन और अन्य तरह की सर्जरी के लिए विशेष इकाइयों की भी जरूरत होगी। लेकिन क्या ऐसी आपदा के लिए तैयारी संभव है? निकासी योजना या आचरण के नियम, लोगों को किसी विशेष स्थिति में क्या करना चाहिए ये कहना मुश्किल है। फिलहाल कोई योजना नहीं है, ये एक गलती हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी ही जरूरी है। बाढ़ की तुलना में ज्वालामुखी का विस्फोट प्रतिक्रिया के लिए अधिक समय देता है। ज्वालामुखी विस्फोट झटके और गैस उत्सर्जन के रूप में पर्याप्त चेतावनी के साथ आते हैं। लाख झील के मामले में ये याद नहीं रहता कि नीचे की जमीन अभी भी स्थिर नहीं है। ज्वालामुखी से निकला पुराना क्रेटर एक अनोखा प्राकृतिक स्वर्ग है। लेकिन झील के पूर्वी किनारे पर अभी भी ज्वालामुखी में गतिविधि के संकेत हैं। मॉफेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में बुलबुले बनाती है। 1870 में जेसुइट्स ने युवा भिक्षुओं के लिए पास ही एक अध्ययन और मनोरंजन केंद्र बनाया था। जब उनमें से 8 बेवजह मारे गए तो झील के किनारे हो रहे गैस उत्सर्जन को कारण माना गया। उन युवकों को आज के मारिया ला किसाई मठ के मैदान में एक छोटे चैपल के नीचे तहखाने में दफनाया गया था। क्या भिक्षु वास्तव में दम घुटकर मरे थे, इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई। प्रोफेसर हॉफमन और भूवैज्ञानिकों की उनकी टीम के लिए ये झील बहुत दिलचस्प है। आईफेल में ज्वालामुखी गतिविधि को बेहतर ढंग से समझने और किसी भी परिवर्तन के निरीक्षण के लिए मॉफेट महत्वपूर्ण है। फिर
एक भूवैज्ञानिक के लिए मोफेट्स इस बात का संकेत हैं कि यहाँ अभी भी ज्वालामुखीय गतिविधि है। ये न केवल एक समय की पिघली हुई चट्टान है जो जमीन से निकलती है, बल्कि ज्यादातर गैस है। और यही वजह है कि निकलने वाली गैस की मात्रा पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि हम गैस उत्सर्जन में वृद्धि देखते हैं तो ये भूमिगत गतिविधि का संकेत होगा और शायद आने वाले ज्वालामुखी विस्फोट की सूचना है। आज हम जानते हैं कि गैस के बुलबुले ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड हैं, जो लगभग 40 किलोमीटर भूमिगत विशाल मैग्मा कक्षों से निकलते हैं। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है? क्या ये गैस 13,000 साल पहले हुए विस्फोट से जन्मे मैग्मा से आती है, जो अभी भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, या झील के नीचे ताजा मैग्मा बन रहा है? विभिन्न जर्मन संस्थानों के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया एक नया अध्ययन ये सवाल उठाता है। जमीन में बहुत अंदर हुए कई कमजोर झटकों से संकेत मिलता है कि मैग्मा गति में है, लेकिन ज्वालामुखी के एक और विस्फोट की तैयारी के अभी तक कोई और संकेत नहीं मिले हैं। आगे पश्चिम की ओर प्रसिद्ध मार्स इस बात का प्रमाण है कि ज्वालामुखियों ने यहाँ के लैंडस्केप को कैसे आकार दिया है। आईफेल की गहरी आँखें। डाउन के पास वाइनफील्ड मार को पड़ोसी कब्रिस्तान के कारण स्थानीय रूप से मृतकों की मार कहा जाता है। अपने बंद क्रेटर रिंग के साथ पुलवर मार सबसे अधिक यानी 70 मीटर से अधिक गहरा है। ये अथाह लगता है। फोटोग्राफर क्लाउडिया वेबर गेबर्ट के अनुसार शाल्केन मेरेन मार सबसे सुंदर है। उन्होंने क्रेटर झीलों के पानी के नीचे की तस्वीरों की एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिस पर उन्होंने वर्षों तक काम किया है। वहाँ पेड़ के नीचे हमेशा मछलियाँ रहती हैं। मैंने एक बार वहाँ एक विशाल पाइक देखा था। छोटी पर्च मछली हमेशा पेड़ के नीचे टहनियों के बीच छिपी रहती है। ये भी अच्छा है, मैं उन्हें देखकर हमेशा खुश होती हूँ। तापमान में गिरावट आने पर भी वो बार बार यहाँ आती हैं। लेकिन ये आईफेल मार्स के पानी के नीचे की खास दुनिया है जो उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। सतह के नीचे अभी भी मार्स का पानी बेहद साफ होता है, मौसम चाहे जो भी हो। साल के इस समय पानी का तापमान सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस है। सर्दियों में ये 3 या 4 डिग्री तक नीचे चला जाता है। फिरोजा नीले पानी के कारण कभी कभी ये कैरिबियन जैसा लगता है, और यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। अगर आप चुपचाप तैरते हैं तो वे ठीक आपके पास तैरेंगी, और गोता लगाने पर आप पाइक, कार्प और टेंच को देख सकते हैं। देखने लायक वास्तव में बहुत कुछ है। यहाँ नीचे वनस्पति और जीव प्रचुर मात्रा में हैं। हालांकि अधिकांश मार में नियमित रूप से जल प्रवाह नहीं होता, वो केवल बारिश के पानी से भरते हैं, जो बहकर मार में जाने से पहले ज्वालामुखी चट्टान की परतों से रिस कर अच्छी तरह से फिल्टर और साफ हो जाता है।
मार के कुछ नमूनों की गहराई मुझे आकर्षित करती है। पुलवर मार 70 मीटर गहरा है, जबकि शालकिन मेरन मार 35 मीटर गहरा है। आप क्रेटर रिम पर देखते हैं कि गड्ढों के किनारों के नीचे तेज गिरावट जारी है, तो आपको इसकी गहराई महसूस होती है। हमें समझने की जरूरत है कि ये किसी भी समय बंद हो सकता है। ये ऐसा ही है। आखिरी विस्फोट 12 या 13,000 साल पहले हुआ था। वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग हर 10,000 साल में एक होना चाहिए, तो दरअसल तय समय से ज्यादा हो चुका है। मार्स और ज्वालामुखी शंकु का जादुई आकर्षण वादियों को सुंदर बनाता है और ज्वालामुखी आईफेल के उग्र अतीत की कहानी कहता है। ज्वालामुखी गतिविधि अभी भी हर जगह है, भले ही ये पहली नजर में हमेशा स्पष्ट ना हो। ज्वालामुखी आईफेल क्षेत्र में पृथ्वी की सतह हर साल लगभग 1 मिलीमीटर ऊपर उठ रही है, कुछ जगहों पर और भी अधिक। इसे केवल ऊंचाई से ही मापा जा सकता है। इसके क्या कारण हैं? क्या ये गहरे भूमिगत मैग्मा कक्षों से निकलने वाली गैसें हैं या हॉट स्प्रिंग्स? जब आईफिल में पतझड़ आता है तो पिछले ज्वालामुखी गतिविधि के निशान इलाके के भौगोलिक स्थिति में पाए जा सकते हैं। ज्वालामुखी के कई शंकुओं में से कुछ से बेसाल्ट स्तंभ उठते हैं। एक ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान हजारों साल पहले जब गर्म लावा निकला और फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो आकृतियों को आकार मिला था जो अक्सर हेक्सागोनल था। ज्वालामुखीय आईफेल की खदानों में लावा बेसाल्ट का सदियों से खनन किया गया है, जैसे यहाँ स्ट्रोन गांव के पास। अतीत में कठोर पत्थरों का उपयोग घरों के निर्माण और सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता था। यहाँ तक कि राइन के किनारों को 6 तरफा बेसाल्ट स्तंभों के साथ मजबूत कर दिया जाता था। आज पत्थर को ज्यादातर पीस कर बजरी और ग्रिट बना दिया जाता है। बर्नार्ड डाउ स्ट्रोन पत्थरों के उस्ताद हैं। वो बड़ी खदान का प्रबंधन करते हैं और यहाँ के लंबे इतिहास से वाकिफ हैं। 34,000 साल पहले यहाँ 3 बड़े विस्फोट हुए थे और यह पूरी घाटी लावा से भर गई थी। भूवैज्ञानिक अभी भी यहाँ नीचे की पुरानी अल्फबाख घाटी की तलाश कर रहे हैं। लावा का प्रवाह जम गया और बेसाल्ट की एक चौड़ी 30 मीटर मोटी परत बन गई। अगर आप उदाहरण के लिए वहाँ देखें तो अंतर बता सकते हैं। नीचे आप बेसाल्ट की परत देख सकते हैं और आगे ऊपर जहाँ ये अधिक लाल है आप लावा की परत देख सकते हैं। इसके ऊपर के लावा की परतों को भी अलग अलग बता सकते हैं, ठीक जैसे वहाँ था। वो बेसाल्ट परत है और आप इसके ऊपर लावा देख सकते हैं। उन्नीस में खदान मजदूरों को एक सनसनी का पता लगा। एक विस्फोट की वजह से खदान की दीवार से 15 मीटर ऊपर एक विशाल चट्टान देखी गई। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कोर सैंपल से ये बात साफ हुई कि ये एक विशाल लावा बम था जिसे ज्वालामुखी क्रेटर से बाहर निकाला गया था। स्ट्रोन लावा बम वहाँ पाया गया था और कुछ समय के लिए वहीं पड़ा रहा। अंत में स्ट्रोन की नगर पालिका ने फैसला किया कि उन्हें वो चाहिए। अब सवाल ये था कि उस चीज को वहाँ कैसे पहुँचाया जाए। इसका वजन 120 टन है। आप लगभग 5 मीटर के पत्थर को खेतों से होकर खदान से गांव तक कैसे ले जाएंगे? उन्होंने सर्दियों में जमीन जमने तक का इंतजार किया, फिर उन्होंने लोहे की बड़ी बड़ी प्लेटों को एक साथ वेल्ड किया और उस पर चट्टान को चढ़ाया।
बोल्डर को उस स्थान पर ले जाने के लिए जहां वो इसे चाहते थे एक बड़े कैटरपिलर और एक बुलडोजर की मदद से उसे पीछे से धक्का देना पड़ा। लेकिन ये विशाल चट्टान आई कहां से? कोर सैंपल से पता चला कि लावा बम में कई परतें शामिल थीं, जो एक के बाद एक प्याज की तरह एक कोर के चारों ओर बनी थीं। विस्फोट के दौरान लावा बम संभवतः ऊपर की ओर उछला और फिर बार बार सक्रिय ज्वालामुखी के क्रेटर में आकर लुढ़क गया। इस प्रक्रिया में ये अंततः पिघले हुए लावा में मिलने से पहले काफी मोटा हो गया, जहां ये खदान में उजागर होने तक बना रहा। आज ये स्ट्रोन के छोटे से गांव का मुख्य आकर्षण है। आईफेल क्षेत्र के ज्वालामुखीय पत्थर मध्य युग की शुरुआत में निर्माण सामग्री के लिए खास माने जाते थे। मारिया लाख मठ मुख्य रूप से डार्क बेसाल्ट और लाइट टफ से बनाया गया था। आखेन कैथेड्रल में टफ आठ कोणों वाली केंद्रीय संरचना प्रसिद्ध कारोलिंजियन ऑक्टागॉन पर भी पाया जाता है। कोलोन के कैथेड्रल के निर्माण के लिए पास ही स्थित आईफेल से ज्वालामुखीय पत्थर को भी राइन पर नौकाओं के साथ भेज दिया गया था और मरम्मत कार्य के लिए आईफेल टफ का लगातार उपयोग किया जाता था। वाइबर्न के खनिज समृद्ध गांव के बहादुर लोगों ने इसमें मदद की। में एक रेल लाइन का निर्माण किया गया, जो अब पर्यटकों के बीच वुल्कान एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। ये टफ पमिस और बेसाल्ट जैसे पत्थरों को राइन तक ले जाती थी। ब्रोल में विंटर हार्बर में इसे जहाजों पर लाद दिया जाता था। ये आईफेल के लिए एक जीवन रेखा थी। वाइबर्न गांव की किस्मत की बात कि वहां 4 लाख साल पहले ज्वालामुखी विस्फोटकों ने टफ की एक विशाल परत जमा दी थी। गिरजाघरों के लिए उत्तम निर्माण सामग्री। टफ हल्का है और इससे काम करना आसान है। अगर 19वीं सदी के बाद के दिनों को मुड़कर देखें, तो गिरजाघरों और वॉल्ट रीबिंग के निर्माण में आप महसूस करेंगे कि हल्का और भारी भार सहन करने में सक्षम ये सामग्री आदर्श है। आकाश की ओर फैले पतले मेहराबों के लिए आदर्श। हैम्बर्ग के घाट भी वाइबर्न के टफ से बनाए गए थे। संगत राशों ने हथौड़ों, छेनी और पच्चर से पत्थरों को इसकी विशिष्ट बनावट दी। खदान में उत्पादन भी हो रहा था। जब पत्थर को स्टोर में लाया गया और संगतराशों के लिए मोटे आकार में काटा गया, पत्थर उस वक्त भी नम था। बीसवीं सदी की शुरुआत में 1200 से अधिक संगतराश यहाँ काम करते थे। वाइबर्न के टफ ने छोटे से गांव के हालात सुधार दिए। टफ एक नरम पत्थर होता है, जो ठोस ज्वालामुखीय राख से बना होता है। उनके पाए जाने के स्थान के आधार पर परतें मोटी या काफी महीन हो सकती हैं। यहाँ कई घर दिख जाएंगे जिनके मालिकों और खदान मालिकों के पास विस्तृत निर्माण के पैसे थे। वाइबर्न में पानी और सीवर नेटवर्क अन्य गांवों की तुलना में पहले से थी।
यहाँ बिजली भी 1915 में ही आ गई थी। लेकिन 1960 के दशक के बाद से टफ की मांग गिर गई और धूम समाप्त हो गया। आज भी कई टफ हाउस गांव की पूर्व समृद्धि के साक्षी हैं। आईफेल के कई ज्वालामुखी शंकु केवल खदानों के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, उनमें से कुछ आज भी रहने के उपयोग में आते हैं। मध्यकालीन शासकों के लिए ऐसे ज्वालामुखी का शीर्ष किले बनाने के लिए एक अच्छी जगह थी। निर्माण के लिए इलाके में बहुत सारे पत्थर थे और क्या मनोरम दृश्य हुआ करता था। जैसे ओलब्रुक कैसल 460 मीटर ऊंचे ज्वालामुखी शंकु पर गर्व से खड़ा है। न्यूरबुर्ग और भी अधिक ऊंचाई पर 670 मीटर पर स्थित है, लेकिन वो पहाड़ की तलहटी में स्थित प्रसिद्ध रेस कोर्स के लिए बेहतर जाना जाता है। मोटर रेस के लिए मशहूर न्यूरबुर्ग रिंग मूल रूप से आईफेल क्षेत्र को आय का एक नया स्रोत प्रदान करने के लिए बनाया गया था, और एस्फाल्ट जिस पर प्रसिद्ध रेसिंग ड्राइवर अपनी रेसिंग कार दौड़ाते हैं, उसके नीचे ज्वालामुखी आईफेल की खदानों से लाए गए लावा बेसाल्ट के ढेर हैं। उनका टिकाऊपन भारी भार वहन करते हुए भी उन्हें आदर्श आधार बनाता है। आज ये लगभग भुला दिया गया है कि न्यूरबुर्ग किले का प्राचीन खंडहर एक विलुप्त ज्वालामुखी पर स्थित है, लेकिन कई जगहों पर ज्वालामुखी की उत्पत्ति को ऊपर से देखा जा सकता है। रोयमरबर्ग ठोस लावे का शंकु है। इसके सामने स्ट्रोन मार है, ये लगभग पूरी तरह से गाद से ढका हुआ है। कुछ विलुप्त ज्वालामुखी रिक्रिएशनल एथलीटों के बेहतर काम आ जाती हैं, जैसे मेयरफील्ड मार पैराग्लाइडरों में लोकप्रिय है। इसके क्रेटर रिम का रूप इस मार को दूसरों से अलग करता है। ये बहुत खड़ी है और कुछ जगहों पर बहुत स्पष्ट है, जो इसे टेक ऑफ के लिए परफेक्ट ढलान बनाती है। खड़ी घुमावदार क्रेटर रिम के ऊपर अगर हवा सही हो तो आप एक शानदार चक्कर लगा सकते हैं, और इस तरह के नज़ारे तो किसी सपने जैसे ही होते हैं। ज्वालामुखी आईफेल पानी का संसार है, और ऐसा केवल यहाँ मौजूद कई सारे मारों के कारण नहीं, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पानी सतह से निकलता है, जैसे कि ज्वालामुखी ट्रेस की खड़ी दीवारों के साथ वोल्फ्स श्लुक्त में। कम प्रभावशाली लेकिन एक और घटना है जो इस क्षेत्र के लिए खास है। आईफेल में हर जगह झरने हैं, कुछ जंगल के बीच में छिपे हुए हैं। ज्वालामुखी आईफेल जियो पार्क के आंद्रयास श्विलर जानते हैं कि ये ड्रीस कहाँ से आते हैं। आंदरनाक स्थित जल स्रोत के मामले में ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो ज्वालामुखीय चट्टान के माध्यम से भूजल को ऊपर ले जाता है। इस इलाके की खास बात ये है कि पानी में ना केवल खनिज होते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक महत्वपूर्ण मात्रा भी होती है, और हम रासायनिक अध्ययनों से ये जानते हैं कि ये CO2 अन्य गैसों की तरह गहराई में पृथ्वी के क्रस्ट और ऊपरी आवरण में मैग्मा के निकलने की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। तो आप कह सकते हैं कि आईफेल के मिनरल वाटर में ज्वालामुखी अभी भी जिंदा है। ड्रीस ऐसे झरनों के लिए सेल्टिक का एक शब्द है। द
ये डार्शाइड ड्रीस है, ये कार्बोनेटेड है, फिजी है और इसमें आयरन की मात्रा भी बहुत अधिक है। दरअसल ये वॉल्केनिक आइफेल में सबसे अधिक आयरन वाला खनिज पानी है। डार्शाइड, गेरोल्स्टाइन, डाउन, यहाँ के लगभग हर गांव का अपना जल स्रोत है। उनके आसपास बस्तियां बनी हैं। Diese Dreswässer sind zum einen mineralhaltig. इस पानी में खनिज होते हैं और कई में औषधीय गुण भी हो सकते हैं, इसलिए ये विचार किया गया कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बेहतर करने के लिए इन संपत्तियों का उपयोग किया जाए। आज वोल्केनिक आइफेल कई प्रकार के इलाज लायक खनिज पानी के लिए जाना जाता है। आइफेल के उत्तर पश्चिम में रूअर झील भी पीने के पानी का भंडार है। एक विशाल बांध रूअर नदी को रोकता है। लगभग 80 मीटर की ऊंचाई का ये बांध नीचे की ओर लोगों को एक विनाशकारी बाढ़ से बचाता है। लेकिन अगर एक शक्तिशाली भूकंप से बांध क्षतिग्रस्त हो गया तो यही कारण है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या बांध के अंदर सब ठीक ठाक क्रम में है, हर रोज निरीक्षण किया जाता है। ये बांध के सुरक्षा अभियंता बर्नहार्ड हुपगेन का काम है। एक पेंडुलम हर छोटी बड़ी हलचल दिखाता है। न्यूनतम स्विंग सामान्य है, उनका मतलब है कि बांध ठीक से काम कर रहा है। लेकिन अगर ज्वालामुखी फिर से जाग जाए, पास में स्थित ज्वालामुखी आइफेल आवाज करना शुरू कर दे, फिर भूकंप इसका पहला संकेत होगा। हम करीब 200 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की बात कर रहे हैं, जो 77 मीटर की ऊंचाई वाले बांध से रुका हुआ है। अगर कुछ हुआ तो बहुत बड़ा होगा, इसलिए हमें 24 घंटे सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करनी होगी। यहाँ वोल्केनिक आइफेल के सुदूर दक्षिण में एक महत्वपूर्ण मापक स्टेशन है, एल्स किला, मोजेल नदी के किनारे की घाटी में स्थित है। डॉक्टर ब्रिगिटे कनपमायर एंड रून कोलोन विश्वविद्यालय में भूकंपीय प्रयोगशाला की प्रमुख हैं। वो और उनके सहयोगी क्लॉस फ्लाइशर नियमित रूप से 12वीं सदी के किलों का दौरा करते हैं। उन्हें ओरियल्स या टरेट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो जमीन के अंदर जा रहे हैं। यहाँ किले की सबसे अंदरूनी जगह में सीधे चट्टानी जमीन पर यूनिवर्सिटी ने एक अत्यधिक संवेदनशील सिस्मोग्राफ लगाया है। ये हर छोटे से छोटे कंपन को दर्ज कर लेता है। यहाँ आइफेल में एक वर्ष में औसतन लगभग 50 से 100 झटके आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर इतने मामूली होते हैं कि उन्हें इंसानों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता है। ओह, ये क्या है? एक हल्का झटका? बिल्कुल कुछ तो है, नहीं? ये 12 से ठीक पहले था। हमें बाद में देखना होगा, ये अपेक्षाकृत छोटा था। या वो एक विस्फोट की सिर्फ सतही लहरें थीं? ऐसा भी हो सकता है। हमने उपकरणों के माध्यम से प्लाइट के पास 2007 में सबसे तेज भूकंप दर्ज किया था, जिसकी तीव्रता 3.9 थी और इसे बहुत दूर तक महसूस किया गया था। 2013 में भूकंपीय स्टेशन ने एक असामान्य घटना दर्ज की, जिसने उस वक्त से वैज्ञानिक दुनिया को अपनी खोज में व्यस्त कर लिया है। आइफेल की धरती के नीचे गहराई में पृथ्वी कांपी थी। ये जर्मनी में दर्ज किए गए अब तक के सबसे गहराई के भूकंप थे और उनकी एक खास विशेषता थी, वे आमतौर पर यहाँ देखे जाने वाले भूकंपों से अलग थे। इसका मतलब ये पक्का नहीं है कि मैग्मा बढ़ रहा है, लेकिन वो गतिमान है।
उनका गतिमान होना ये संकेत हो सकता है कि मैग्मा फिर से जमीन के नीचे इकट्ठा हो रहा है। क्या ज्वालामुखी सक्रिय हो रहे हैं? इससे सवाल खड़े होते हैं। हमें दरअसल किन इलाकों में इसकी उम्मीद करनी चाहिए? मुख्य रूप से लाख झील वाले इलाके में, या शायद और भी आगे पश्चिम में जहां ज्वालामुखी केंद्र हाल ही में सक्रिय थे। लक्ष्य ये बेहतर ढंग से समझना है कि वहां क्या है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। फेडरल एकेडमी ऑफ सिविल प्रोटेक्शन में भूकंप विज्ञानी प्रोफेसर राइशर्टर द्वारा साझा किया गया एक लक्ष्य, उनके काम के लिए माप महत्वपूर्ण संकेतक हैं। ये भूकंप के बहुत छोटे झटके हैं, लेकिन दिलचस्प हैं, क्योंकि इनका इकट्ठा होना ज्वालामुखी विस्फोट की भविष्यवाणी हो सकती है। इस साल ला पाल्मा विस्फोट में इससे अच्छी मदद मिली। हमारे पास भूकंपीय संकेत थे जो इस मैग्मा वृद्धि की भविष्यवाणी कर रहे थे। इसने हजारों लोगों को कू ब्रेवियस के बड़े विस्फोट से बचने की तैयारी और ज्वालामुखी की राख और लाल गर्म लावे से सुरक्षा के लिए पर्याप्त समय दिया। ये जानकारी आईफेल के लिए भी उतनी ही मूल्यवान है। इस समय हम जो कर रहे हैं वो निष्क्रिय है। हम पृथ्वी को केवल सुन रहे हैं और अलग अलग गहराई से आने वाले संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लाख झील में आए भूकंप पूरे जर्मनी में सबसे गहरे एक रिकॉर्ड भूकंप थे। वो लगभग 40 किलोमीटर तक नीचे जाते हैं, जिसका मतलब है कि हमें कुछ और उपकरणों को लगाना होगा और विभिन्न जगहों पर सुनना होगा। और हम इसी पर काम कर रहे हैं, इसीलिए आईफेल हमारी वास्तविक प्रयोगशाला है, एक चलती फिरती शोध परियोजना, और इसीलिए ये जर्मनी में ज्वालामुखी गतिविधियों के अनुसंधान के लिए अनमोल है। आग से जन्मा अनमोल रत्न, आईफेल के नीचे गहरे में एक आग अभी भी सुलग रही है। ज्वालामुखी कब सक्रिय होंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, अधिकारी इसके लिए तैयार रहेंगे।